बोलो बेटा। कुछ सर शो नहीं हो रही स्क्रीन हमें। शो नहीं हो रही है? दोबारा नो करता हूं। ओके नाउ नो स्क्रीन नहीं शो हो रही है? हो सर हो रही है। रही है बेटा। नहीं ट्राई टू विजिबल हो रही सर। अब? सर मैट्रिक्स है। यस सर। फोर टू थ्री जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड। फोर टू थ्री एट फाइव। ओके, फोर टू थ्री, अगली थ्री लाइन में एट, एट फाइव फाइव टू ट्वेल्व एट फाइव माइनस फोर टू टू, ओके 12 माइनस फोर, माइनस फोर फाइव। ओके। तो रैंक निकालने के डिटरमाइन द लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। यहाँ पे तो वो हमें को मिल रही है ये वाली, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से निकाल दो, जल्दी से निकाल दो बेटा। नॉट दिस, सीधी लाइन आएगी, ठीक है? सीधी लाइन क्या आएगा बेटा? डिटरमिनेंट चार, दो और पांच इधर, माइनस टू, एट, 12, टू एंड फाइव, सर माइनस वन 176। -176। निकालते हैं फिर भी हम एक बार। 5 × 5 = 25, प्लस 8 = 33 × 4, दैट इज 132, माइनस 8 × 5 = 40, माइनस 24 दैट इज 16, और -32 आ जाएगा। -32, 3 × 8 × -4, -32, -60, तो -92, और ये हो जाएगा -276।
तो इट टर्न आउट टू बी 100 माइनस 276 इक्वल टू माइनस 176। तो ये वैनिश नहीं किया, ये माइनर माइनर ऑफ ऑर्डर 3 डज नॉट वैनिश। तो इसका मतलब क्या होगा, रैंक क्या आएगा, आएगा इस मैट्रिक्स का 3। दैट इज योर आंसर। आपने माइनर निकालते जाने हैं, बेसिकली डिटरमिनेंट ऑर्डर सबसे बड़े ऑर्डर के पहले निकालने हैं, उस ऑर्डर के नहीं मिलते। अगर मान लो ये ऑर्डर 3 जीरो हो जाता तो आप ऑर्डर 2 से शुरू हो जाते, आप इस मैट्रिक्स का निकालने की कोशिश करते, इस सब मैट्रिक्स का निकालने की कोशिश करते, ये भी जीरो हो जाता आप आगे बढ़ते, ये भी जीरो हो जाता तो आप इससे आगे ये वाला देखते, ये भी जीरो हो जाता तो आप इसको देखते, ठीक है, ये भी जीरो हो जाता तो आप फिर 1 by 1 मैट्रिक्स पे आ जाते, ठीक है। आई होप बच्चे क्लैरिफाइड है रैंक का क्वेश्चन। आगे बढ़े, जिसका बच्चे डाउट था उसको क्लियर है? नो सर। नो डाउट नहीं है कि क्लियर नहीं है सर, समझ नहीं आया रैंक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट, इवन अभी भी परसिस्ट करती है प्रॉब्लम। बेटा सिंपल सी एक बात मैं आपको बताता हूँ, को बड़े ध्यान से सुनो, सपोज एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो सकती है आपको, और उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितनी भी रोज हो सकती हैं, कितनी भी कॉलम्स हो सकती हैं। लेट्स से मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ये वाली, इसमें 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, और 3 रोज हैं, ठीक है, 4 कॉलम और 3 रोज हैं। तो रैंक बेटा आपकी जो डेफिनेशन है रैंक की, वो क्या कहती है, आपको एक ऑर्डर फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड अ ऑर्डर कि उस ऑर्डर का जो आपका माइनर होगा, उस ऑर्डर का जो माइनर होगा वो वैनिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनर वैनिश नहीं होना चाहिए, ये उसकी डेफिनेशन है। और अगर आप देखो माइनर जो आपने निकालना है, माइनर स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है आपका हमेशा, तो आपको सबसे बड़ा ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये 3x4 मैट्रिक्स है, तो इसमें ऑर्डर 4 का तो आपको मैट्रिक्स मिलेगा नहीं जिसमें 4 रोज या 4 कॉलम्स दोनों हो, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, रो एक कम पड़ रही है, तो हमें 4 ऑर्डर का तो मिलेगा नहीं, हम 3 ऑर्डर वाला ढूंढते हैं, ठीक है। तो 3 ऑर्डर में हमें ये वाली सब मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है, ये सब मैट्रिक्स निकल गई एक 3x3 की, ऑर्डर 3 कहते हैं जिसको हम। इसका आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है बेटा, कुछ नहीं करना, और व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द डिटरमिनेंट ऑफ इट। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाता है, इसका मतलब वो वैनिश नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, और आपका आंसर क्या आएगा, 3 आपका आंसर आएगा। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर नॉन जीरो आता है ना, वो आपका रैंक हो जाएगा। मान लो ये जीरो आ जाता तो आप ऑर्डर 3 का कोई और मैट्रिक्स ढूंढने की कोशिश करोगे, इसमें वो एक और मिल जाएगा मेरे को, ये वाला मैट्रिक्स, ये भी 3x3 का ही है, राइट, ये भी 3x3 का ही मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट यानी कि माइनर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा मैं, ये अगर नॉन जीरो आ जाता है तब भी मेरा रैंक जो होगा 3 ही होगा, लेकिन ये भी अगर जीरो आ गया
फिर उसके बाद मेरे पास ऑर्डर तीन का कोई भी और मैट्रिक्स नहीं बचता है, फिर मैं ऑर्डर टू की तरफ जाऊंगा। ऑर्डर टू में आप ये सब मैट्रिक्स लेते हो, फिर इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, बेसिकली माइनर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, ये भी जीरो आ जाता है, फिर आप बाकी दो क्रॉस दो को दुखे देखोगे। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते जाना है आपने जब तक आपका कोई नॉन वैनिशिंग माइनर ना आ जाए, मतलब जिसके माइनर की वैल्यू नॉन जीरो ना आ जाए, 1, 2, 3, 176 कुछ भी आ जाए। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके ये देखो -176 आई ना एक वैल्यू ऑर्डर थ्री के एक माइनर की, तो हमने वो वैल्यू उसको दे दी। इज इट ओके बेटा, इज इट ओके बेटा? नाउ यस सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। बैक टू योर बूलियन अलजेब्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, आप कुछ डेफिनेशंस को एक बार दोबारा कर लेते हैं हम। तो पोसेट तो आपको पता ही है, पोसेट बेसिकली पोसेट क्या होता है, इट्स अ रिलेशन दैट इज एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हाँ, रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आती है बेटा लैटिस। मीट होगा इसमें, ज्वाइन होगा। अब लैटिस में क्या होता है, सर इसमें 01 नहीं होगा? किसमें? वो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस बेटा, ओके सर। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली लैटिस आपका एक पोसेट ही होता है, एक ऐसा पोसेट जिसमें ज्वाइन और मीट दो ऑपरेशन होंगे। ठीक है, और हर एक दो एलिमेंट का मीट भी एग्जिस्ट करेगा और जॉइन भी एग्जिस्ट करेगा। मीट और जॉइन क्या होते हैं बताया ना? मान लो ये आपके दो एलिमेंट हैं ए और बी, हैश डायग्राम में ए और बी हैं आपके। ठीक है, तो ये आगे जाकर जहां पर सबसे पहले मिलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं जिस एलिमेंट पे एक्स, ये एक्स एलिमेंट क्या होगा, जॉइन होगा बेटा। ठीक है, ये क्या होगा, जॉइन। और ए और बी एलिमेंट जिस एलिमेंट से होकर आए हैं, जिस एलिमेंट से आगे बढ़ के ये दोनों मिलते हैं, वो क्या होगा आपका, मीट पॉइंट होगा। मीट मतलब पीछे की तरफ मीट, आगे की तरफ जॉइन। बेसिकली इसको याद रखने के लिए आप कह सकते हो, ये जो एलिमेंट होगा ना, ये होगा जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और ये जो एलिमेंट होगा ए और बी का, ये लोएस्ट लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है बेटा? डेफिनेशन क्लियर है बेटा? मतलब हर एक दो एलिमेंट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, जो कैसे फाइंड आउट होता है, इस ऑपरेशन से फाइंड आउट होता है, जॉइन और मीट, जॉइन आगे की तरफ मीट पीछे की तरफ। इज दैट ओके, इज दैट ओके? बोलो बेटा, इज इट ओके? फर्दर बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस बताया था मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस ये होती है, इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है बेसिकली जॉइन और मीट ऑपरेशन का। ठीक है, जैसे कि ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, सॉरी साइन चेंज होगा अंदर,
ये वाला होगा, ठीक है, बीच में का ये साइन, इज इट ओके? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस, ऑब्वियसली दूसरा लॉ भी होल्ड करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव का। कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होती है? जिसमें जीरो और वन भी आपका आ जाएगा साथ में, और हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, एक लीस्ट एलिमेंट भी होगा, एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा लैटिस में, कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में। ये आपकी डेफिनेशन कल की थी बेटा, रिमेंबर, याद है, याद आई? Yes. उसके बाद आपका बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लैटिस कुछ ऐसा किया था हमने, एक सेट दिया होगा आपको, इस सेट के अलावा एक, ये आपका बेसिकली जॉइन ऑपरेशन ही है प्लस, जिसको आप और बोलते हो, ये आपका मीट ऑपरेशन जिसको आप एंड बोलते हो बूलियन में, ये कॉम्प्लीमेंट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जीरो, लीस्ट एलिमेंट वन, बेसिकली ये जीरो और वन नहीं होते हैं हमेशा, कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपका बूलियन अलजेब्रा है। बेसिकली कॉम्प्लीमेंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस को ही हम बूलियन अलजेब्रा या बूलियन लैटिस बोलते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चे सभी को? ओके, तो अब आगे करते हैं बेटा, कि अगर आपको सपोज किसी ने पूछा है कुछ, कि कोई एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक सेकंड, एक है D70, क्या ये बूलियन अलजेब्रा होगा ऑन द ऑपरेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, इज D70 इज अ बूलियन अलजेब्रा, फॉर्म्स अ बूलियन अलजेब्रा अंडर द ऑपरेशन डिविजिबिलिटी, ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा। तो बेसिकली D70 का मतलब है कि 70 विल बी योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, 70 से ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो 70 विल बी योर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और 70 के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, तो 70 के फैक्टर निकालो बेटा, उसके लिए आप ये एलसीएम निकाल सकते हो उसका, पहले 2 से करो, 35 आ जाएगा एक, ओके, आगे किससे करेंगे? 5 से कर सकते हैं, ठीक है, 7 आ गया, और लास्ट 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 70 को रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2, 5 into 7, ठीक है, और आपके बूलियन अलजेब्रा का जो सेट होगा ना, जो आपका सेट होगा बी, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बेसिकली ये एलिमेंट आएंगे, 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, दैट इज द लीस्ट एलिमेंट, उसके बाद जो आपने ये फैक्टर्स निकाले हैं ये आएंगे, यानी कि 2, 5 और 7। इसके अलावा बेटा इन दोनों का 2-2 लेके मल्टीप्लाई करना है, तो 2 into 5, 10, 2 into 7, 14, टेकिंग 2 at a time, फिर 5 into 7, that is 35, और 70 आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि इज D70 फॉर्म्स अ बूलियन अलजेब्रा, तो इसका आंसर है यस। उसका कारण ये है कि इसके जो फैक्टर हैं वो स्क्वायर फ्री हैं। अब स्क्वायर फ्री का मतलब क्या होता है वो जानने के लिए, लेट अस सपोज एक D60 है, ठीक है, D60 है, इसके फैक्टर बताओ क्या आएंगे D60 के, D60 के बेटा फैक्टर क्या आएंगे? 2 पे 2, 3 बेटा 2 आएगा, 3 नहीं बेटा, अभी 3 तक ना पहुंचो, 2, 3, 10,
रहे हो आप टू पे बेटा? टू दो बार भी आएगा ना, देखो यस सर वही बोल रही हूँ, टू पे रहेगा सही है फिर सर, टू 15 पे आएगा बिल्कुल होना। 15, ठीक है। उसके बाद आप थ्री पे आओगे, थ्री पे फाइव राइट? तो ये 5 हो जाएगा पे फिर और फिर 5 5 पे पे, ठीक है। दैट विल बी ऑल। तो बेसिकली टू स्क्वायर, थ्री और 5, ऐसा होगा ना कुछ, है ना? ऐसे ही कुछ होगा। तो जब आपके यस सर फैक्टराइजेशन के टाइम पे स्क्वायर आ जाता है, तो वो वाला आपका सेट जो होगा वो बूलियन अलजेब्रा नहीं फॉर्म कर सकेगा, ठीक है? योर फैक्टराइजेशन शुड बी स्क्वायर फ्री। इफ योर फैक्टराइजेशन इज नॉट स्क्वायर फ्री, ठीक है, तो आपका जो उन्होंने गिवन दिया होगा एक सेट, वो बूलियन अलजेब्रा फॉर्म नहीं कर सकता। और जो गिवन सेट D70 है, ये बूलियन अलजेब्रा फॉर्म कर देगा। कारण क्या है? स्क्वायर फ्री है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। दो एक ही बार आ रहा है, पांच भी एक बार आ रहा है, सात भी एक भी आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। इसका बेटा बैक एंड पे काफी बड़ा लॉजिक है, बट टू सिंप्लीफाई थिंग्स आप इतना समझ के चलो कि ये स्क्वेयर फ्री होता, अगर स्क्वेयर फ्री होगा तो बूलियन अलजेब्रा फॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज बूलियन अलजेब्रा फॉर्म नहीं होगा। इज इट ओके बेटा? ओके सर यस सर यस सर नो कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक बेटा? सर नो? चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका हैश डायग्राम बनाना हो बेटा, अगर हमने इसका ही बनेगा ऑब्वियसली हैश डायग्राम, तो शुरुआत हम वन से ही जो करेंगे। ये हाँ बोलो, सम 15 ही आएगा बोलिंग क्वेश्चन में सॉरी फाइव दोबारा। 5 × 7 दैट इज 35। क्या बोल रहे हो आप? सर ठीक है क्लियर है सर क्लियर है अगर आप फॉर्मली एक बूलियन अलजेब्रा इसका करो, तो इसमें एक ये सेट आएगा, इसमें एक प्लस आएगा, इसमें एक डॉट आएगा, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। सबसे बड़ा एलिमेंट आपका वन है, सबसे छोटा एलिमेंट आपका वन है, और सबसे बड़ा एलिमेंट आपका 70 है। ये आपका बूलियन अलजेब्रा बन गया बेटा, ठीक है? क्लियर है? यस सर और जो ये आपके फैक्टर वाले आए हैं ना, 2, 5 और 7, इनको बेटा बोलते हैं एटम्स, इनको एटम्स बोलते हैं। ये एटम एलिमेंट होंगे, और जो ये बाकी के हैं 10, 14, 35, ये नॉन एटम है। क्लियर है? यस सर इवन द वन ऑल्सो फॉर्म्स द एटम, क्योंकि वन भी हमारे फैक्टराइजेशन में आता है, ये भी एटम का ही पार्ट होगा, ठीक है? छोटा, सबसे छोटा एलिमेंट भी फैक्टर का पार्ट ही होगा हमेशा, यस ठीक है? तो अब इसका हैश डायग्राम या ऑर्डरिंग डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो, वन से हम टू तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? डिविजिबिलिटी में डिवाइड कर ही देता है ना 1, 2, 5 और 7 को। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। पीछे से बनाना वैसे शुरू करना है, सबसे बेटर रहता है। 70 को बेटा कौन कौन डिवाइड कर सकता है? सारे कर सकते हैं, 10, 14 और 35, है ना? 10 भी कर सकता है, 14 भी कर सकता है। ये हैश डायग्राम ही बना रहे हैं बेटा, और 7, 35 भी कर सकता है। ओके, इनको जोड़ो बेटा। अब 10 किसके किसके साथ जुड़ सकता है?
10 को कौन कौन डिवाइड करता है? 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, 7 कर सकता है, कौन कर सकता है बेटा? 2 5 5 5 2 कर सकता है और 5 5 कर सकता है। 14 को, सकते हैं 14 को 2 कर सकता है और 7 यस कर सर, 7 कर सकता है, सकते हैं। ठीक है। 35 35 को 5 को कर सकता है, 5 एंड 7। सेवन, बिल्कुल। ये रहा आपका हैश डायग्राम बेटा, बन गया है। अब इसमें दो चीजें, दो टेबल बनते हैं, एक सम टेबल, एक सम टेबल बनता है, ठीक है। सम टेबल मैं यहां बना रहा हूं, सारे एलिमेंट लिखते हैं, 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, ठीक है। और इसी तरह तरीके से बेटा 17 भी होगा आगे, यहाँ भी 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35 और 17, ठीक है। सम कैसे निकालते हैं? इस सम को क्या बोलते हैं हम? लेटिस या पोसेट की, लेटिस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मीट या जॉइन? जॉइन बोलते हैं, मीट बोलते हैं, सर जॉइन ज्वाइन बोलते बोलते हैं, हैं। जॉइन बोलते हैं। आगे की तरफ बढ़ेगा ये, ठीक है। तो 1 और 1 का जॉइन, पहले तो हमेशा जो सेम एलिमेंट होते हैं उसका जॉइन सेम ही आता है बेसिकली। इसका मतलब होता है, लेट से आपने ये फाइंड आउट करना है बेसिकली, ए प्लस बी का मतलब क्या है कि आपने जॉइन फाइंड आउट करना है। लिखोगे ऐसे ही आप, बट फाइंड एक तरीके से आप यही करोगे। जॉइन में हम बेसिकली क्या करते हैं कि ए और बी ये आगे जाकर सबसे पहले किसके साथ जुड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड क्या है इनका। तो 1 सबसे पहले आगे जाकर 1 के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लूप्स होती है ना बेसिकली, तो 1 ही आएगा। अब 1 और 2 सबसे पहले बेटा आगे जाके किसके साथ जुड़ेंगे? 1 और 2 दोनों, 1 देखो, 1 से मैं सबसे पहले 2 पे पहुंच रहा हूं और 2 से भी मैं 2 तक पहुंच रहा हूं। इनका आप अपर बाउंड बेटा निकाल लो, अगर 1 और 2 का, 1 और 2 का अपर बाउंड आ जाता है 2, 10 और 70। तो लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है इनमें से? लीस्ट अपर बाउंड 2 है, क्योंकि 2 तक हम सबसे पहले पहुंच सकते हैं। 10 तक हमें यस दो सर, दो एजेस लगती हैं, ठीक है। 2 से मेरे को 10 तक एक एज लग जाएगी और 70 तक 2 एजेस लग जाएंगी, लेकिन 2 तक पहुंचने के लिए यहाँ मेरे को कोई एज नहीं लग रही है, ठीक है। 1 से एक एज लग रही है, 2 से कोई एज नहीं लग रही है, तो सबसे नजदीक 2 ही पहुंचता है ना बेटा। तो यहाँ पर वन वन यस प्लस 2 का 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली बेसिकली 1 के साथ सभी का सेम ही रहता है, 14 ही आएगा और यहाँ 35 भी आएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसको। 2 और 1 ऑब्वियसली ये कॉम्यूटेटिव होते हैं बूलियन अलजेब्रा, तो जो 1 और 2 का आया है वही 2 और 1 का आएगा, राइट। 2 और 2 का अगेन आइडम्पोटेंट लॉ। 2 और 5 बेटा कहाँ जाके मिलते हैं आगे? सबसे पहले 2 और 5 आगे जाके कहाँ मिल रहे हैं? टेन 10 पे मिल रहे हैं, तो 2 और 5 में क्या आएगा? 10। 2 और 7 कहाँ मिल रहे हैं आगे जाके? 2 और 7 कहाँ मिल रहे सर, हैं? 14 14 पर 2 और 10 कहाँ मिल रहे हैं आगे जाके? 70 बेटा 10 पे ही मिल रहे हैं। कारण देखो, 2 से मैं 10 तक जा रहा हूँ आगे, 10 से भी मैं 10 पे रह रहा हूँ,
तो सबसे पहले 10 ही आएगा ना अपर बाउंड में, 10 भी आएगा और ऑब्वियसली 70 भी आएगा, लेकिन पहले कौन सा आ रहा है, लीस्ट अपर बाउंड कौन सा है, वो 10 है, क्योंकि 10 तक मैं पहले पहुंच पा रहा हूँ। दो से भी 10 तक एक ही एज लग रही है, 10 से 10 तक कोई एज नहीं लग रही है, लेकिन 70 तक जाऊं तो 10 से 70 तक एक एज लग रही है और 2 से 70 तक दो एजेस लग रही हैं। तो पहले मैं 10 पर पहुंच रहा हूं बेटा, तो 10 आएगा। ये क्लियर है? यही डिफिकल्ट पार्ट है, ये मैंने यस सर, आपको पिछले लेक्चर में यही करवाया था आपको। 2 और 14, 2 और 14, 14 आएगा। 14 ही आएगा। यस, 2 और 35, 2 और 35, सेवेंटी सर 70 पर ही पे होंगे ये, ठीक है, क्योंकि 2 से 35 तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे हैं पहली बात, तो 2 और 35 से आगे सिर्फ हम 70 पे ही पहुंच सकते हैं, तो इसके अपर बाउंड में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 70, 70, और वही आएगा, और 2 और 70 अगेन लास्ट एलिमेंट 70। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। ये चीज क्लियर हो गई। सिमिलरली बच्चे 5 वाला भी बनाना है, 7 वाला भी बनाना है, ठीक है। 5 और 7 वाला बन जाएगा जैसे 2 वाला बनाया, मैं 10 वाला बनवा के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, 10 वाला बना के दिखाता हूँ। तो 10 और 1, जो 1 और 10 आया है वही होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। 10 और 5 बेटा कहाँ मिल रहे हैं सबसे पहले? 10 और 5 कहाँ मिल रहे हैं फाइव पे बेटा? 10 पे ज्वाइन कर, ज्वाइन ज्वाइन ढूंढना है, आगे ओके की सर। आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है बेटा। 10 प्लस 5 हो चाहे 5 प्लस 10 हो, बात सेम ही है, ठीक है, चाहे आप ऐसे ओके सर। लिखो, बढ़ना आपने आगे ही है, प्लस का सिंबल मतलब आगे की तरफ बढ़ना है। ओके, 10 और 7 कहाँ मिल रहे हैं बेटा? 10 और 7 आगे जाके कहाँ मिल रहे हैं सबसे पहले? 14 नहीं, नहीं, 14 पे नहीं मिल रहे बेटा, 70 70 पे मिल रहे हैं। यस, समझ में आया बेटा सभी को? 10 भी देखो यहाँ सबसे पहले 70 पे मिल रहा है, 7 भी आगे जाके 70 पे ही मिल रहा है, तो ये दोनों के पाथ डाइवर्ज कहाँ पर हो रहे हैं? 70 पे ही हो रहे हैं, तो 70 ही आएगा। समझ में आया ना बेटा सभी को? और 10 और 10 तो 10 ही आएगा बेटा। समझ में आ रहा है ना सभी को? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है? यस सर। और 10 और 14 कहाँ पर मिल रहे हैं? 70 70 पे मिल रहे हैं। ओके, 10 और 35 वो भी 70 पे मिल रहे हैं ना? यस और 10 और 70 वो भी ऑब्वियसली 70 पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इज इट ऑल राइट? ये बन जाएंगे बेटा प्लस वाले सारे, यस सर। ऐसे डॉट वाले बनवा दूं आगे। इसको अपनी नोटबुक पे या जहां पे भी आप बना रहे हो वहां पर एक बार बना लो, फिर अगले पेज पे मैं आपको मीट वाले यानी कि ये वाला करवाता हूँ, डॉट ऑपरेटर पूछा नॉर्मली ये जाता है, ठीक है, पूछा नॉर्मली ये जाता है, एक्सप्रेस ऑल द एलिमेंट्स एज सम ऑफ, ठीक है, सम के तौर पे हमें दिखाना पड़ता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि एज रिप्रेजेंट देम एज अ सम, तो बेसिकली 1 आपका कैसे रिप्रेजेंट होगा? 1 1 की तरह ही रिप्रेजेंट होगा। जो एटम होंगे, एटम एज इट इज रिप्रेजेंट होते हैं, 2 भी 2 होगा, 3 3 नहीं सॉरी 5 है ना, 5 है, 5 भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा एज 5, 7 भी ऐसे ही रिप्रेजेंट होगा, 10 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 10 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 10 को रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 है ना, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 आएगा ना बेटा, ये 2 प्लस 5 ही किए हैं हमने,
ऐसे आएगा ये 2 + 5 इज इक्वल टू 10। यस सर। सिमिलरली 14 को रिप्रेजेंट करना हो ये होगा 2 + 7। उसके बाद 35 को रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या होगा बेटा, ये क्या होगा 5 + 7। सेवन यस, प्लस फाइव 7 + 5 फाइव लिखो चाहे 5 + 7 लिखो डजेंट मैटर, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है ओके ना। सर। हाँ कम्यूटेटिव होता है। तो 72 + 3 + 2 + 5 + 7 राइट। तो ये अगर आपको बोला गया है रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स एज सम ऑफ एटम्स, सम ऑफ एटम्स, तो एटम तो ऑब्वियसली बेटा एटम तो एज इट इज ही आएंगे, लेकिन जो नॉन एटम होंगे वो आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे एज अ सम ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, ठीक है। ये दोबारा बताऊं बेटा कुछ, यस सर, सर ये दोबारा एक्सप्लेन करना है कैसे है। अगर बेटा आपको बोला गया है रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स एज अ सम ऑफ एटम्स, अब आपके एटम कौन से थे, 1 था 2 था 5 था और 7 था, यही थे ना एटम्स आपके, तो सारे एलिमेंट्स आपने यस सर। एज सम ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट करने हैं। अब जो एटम्स हैं वो तो अपने आप में ही सबसे छोटी चीज है, तो उनको तो आप एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, उनको आपको सम फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एटम अपने आप में छोटी चीज है। राइट राइट। यस सर। लेकिन जो 10 है ये नॉन एटम है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखना है अपने टेबल में, देखना है 10 कहाँ कहाँ आया है। 10 यहाँ पर आया है बेटा, 2 + 5 पे आया है ना 10, है ना 2 + 5 पे आया है। तो यस मैंने सर। 10 को 2 + 5 मतलब 2 + 5 करूंगा, 2 और 5 का ज्वाइन करूंगा तो 10 आ जाएगा, 2 और 7 का ज्वाइन करूंगा तो 14 आ जाएगा, 5 और 7 का ज्वाइन करूंगा तो 35 आ जाएगा, तीनों का ज्वाइन करूंगा तो 70 आ जाएगा। इज इट ओके। इज इट ओके, क्योंकि यस सर। बेसिकली 70 आपका आता है 7 और 10 के साथ आता है, लेकिन 10 तो नॉन एटम है ना, तो आपने देखना है 10 कैसे आया है। 10 देखो यहाँ पर आपको पता लग रहा है 10 कैसे आ रहा है, 2 + 5 से आ रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 7 + 2 + 5। ये देखो, ठीक है बेटा समझ लग गया, समझ लग गया बेटा। यस सर। तो आप डॉट वाला करवा रहा हूं मैं आपको, ये चीज बेटा जो मैं आपको करवाता हूँ उसी दिन पढ़ लिया करो, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सॉल्व कर लिया करो, अदरवाइज ये भूल जाएंगे आपको। ठीक है, मैं सारे नहीं बनवाता हूँ, टेक इट एज अ होम टास्क, 10 वाला बनवा देता हूँ एक आपसे, एक 1 वाला, तो इसको ध्यान में रखना है अब आपने। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, मीट, मीट मतलब पीछे की तरफ देखना है। अब हमने 1 और 1 कहाँ मीट करते हैं बेटा, पीछे जाकर 1 पर ही मीट करेंगे ना, सो वन पे 1 पे। 1 और 2 कहाँ मीट करेंगे, पीछे जाकर, पीछे जाकर आप देखना है, पीछे जाना है, लेटेस्ट 1 पे ही मीट करेंगे। ये सारे सारे आप देख लेना, ये सारे 1 ही आएंगे, ये सारे 1 आएंगे, यू कैन ट्राई दिस। क्योंकि 70 से 70 पे भी ले लो आप, 70 और 1 सब के पीछे क्या जाएगा, के पीछे कहाँ मिलेंगे 70 और 1, अगर मैं पीछे पीछे करता जाता हूँ तो 1 के पीछे तो कोई है ही नहीं है, तो यहीं पर ही मीट वन करेंगे ना, वहीं पे ही मीट करेंगे। अब 2 वाला दिखाता हूँ मैं आपको बेटा, 2 और 1 कहाँ पे मीट करेंगे, जो ऑब्वियसली 1 और 2 है, 1.2 है, वही 2.2 होगा, 2.2 भी वही होगा, 2.5। अब 2 और 5 कहाँ मिल रहे हैं पीछे जाकर, देखो 2 और 5 वन पे 1 पे, 1 पे मिल।
ये वन पे मिल रहे हैं, दो और सात पीछे कहाँ मिल रहे हैं, वो भी वन पे, वन पे ही हो रहे हैं। दो और दस कहाँ मिल रहे हैं, अब देखो दो और दस पीछे जाते वक्त कहाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल टू पे मिल रहे हैं बेटा, दस पीछे जाते हुए टू पे मिलेगा और टू तो है ही, टू खुद पर ही है, ठीक है। दो और चौदह कहाँ मिलेंगे बेटा, दो और चौदह दो पे, दो पे, दो और पैंतीस वो भी दो पे ही मिलेंगे, दो और सत्तर भी दो पे ही मिलेंगे। अब दो चीजें याद रखने वाली बेटा मेन, ठीक है, आप हमेशा जब भी ए और बी का सम करोगे ना, मतलब उनका जॉइंट फाइंड आउट करोगे, तो ये वैल्यू हमेशा ना जो एक्स वैल्यू आएगी जो भी ये आएगी ये हमेशा बड़ी होगी